जिंदाबाद जिंदाबाद इस नारे का मतलब समझिएगा। और फिर आप भी आपका दिल करे तो ये नारा लगाइएगा। जब बंदा कीदे खत्म नबूवत का नारा लगाता है, सवाब भी मिलता है, मकीने गुंबद खजरा की मदद भी मिलती है। पाकिस्तान का जेल वो है, अल्लाह किसी को भी ना देखाए। ठीक है ठीक है ठीक है। अल्लाह 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 किसी को भी ना दिखाए, क्योंकि ये वो जेल है जिसने बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया होता वो दो दिन में मान लेता है मैंने किया है। ठीक है जी, ये हाल है हमारे यहाँ ना जेलों का। लेकिन 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 जो चले जाते हैं कोई डॉलर पे, कोई रियाल पे, कोई दिरहम पे, कोई दिनार पे, कोई गाड़ी पे, कोई बंगले पे, कोई परमिट पे, कोई वीजों पे, कोई वजीरों पे, बिक जाता है। नहीं बिकता तो गुर्दे खत्म, फेफड़े खत्म, कलेजे खत्म, दिल खत्म, दरख्वास्तें दे के चला जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं उस 26 साल के नौजवान पर, 7 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजारे, लोगों ने दिरहम भी दिए, दिनार भी दिए, डॉलर भी दिए, रियाल भी दिए, रुपया भी दिया, पैसा भी दिया, परमिट भी दिया, प्लाट भी दिया, बंगला भी दिया, गाड़ी भी दी, लेकिन नहीं झुका, नहीं झुका। जज ने एक बार तो पूछा होगा, तेरी बूढ़ी माँ घर में है, छोटा भाई है तेरा, तो और भी कोई नहीं है, अभी तूने जवानी की दहलीज भी नहीं देखी, अभी तो जवानी के दहलीज पे कदम रखा था, तूने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी, जा लिख के दे दे, चला जा, जा चला जा, सर को झुका के निकल जा, हम रात की तारीखियों में निकाल देंगे तुझे, तेरे घर वालों समेत दुनिया के किसी कोने में भेज देंगे, जा यहाँ से चला जा, यहाँ से चला जा, अपनी जान बचा जा, ये छोड़ के लोग तो पागल है, नारे लगाते रहते हैं, बाद में कोई भी नहीं पूछता, तू यहां से चला जा। लेकिन मेरा ईमान, मेरा यकीन, मेरा विश्वास, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत ये कहती है कि उसने एक मर्तबा सीना तान के जज की आंखों में आंखें डाल के कहा होगा, ओए सुन, तू कहता है कि बिक जाऊं, तू कहता है झुक जाऊं, तू कहता है लिख के दे जाऊं, तू कहता है छोड़ के चला जाऊं, वतन छोड़ दूं, पाकिस्तान छोड़ दूं। उसने कहा सुन, ओए हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने झुकाने की, हमें झुकने नहीं देता, हमें झुकने नहीं देता, हमें झुकने नहीं देता। भरम जहरा के बच्चों का था यारों, ये कमाल उस बच्चे करेंगे, ये कमाल है मकीन गुम्बद खजरा की नौकरी का। वो डाका मार के नहीं, वतन को लूट के नहीं, चोरी करके नहीं, कत्ल करके नहीं किया, बल्कि वो अकीदा खत्म नबूवत का आलम बरदार बन के, नारा लगा के अकीदा खत्म नबूवत का सिपाही बन के जेल में गया। और यार फिर झुकता भी कैसे, क्योंकि सवाब तो मिला ही मिला है, पर मकीने गुंबद खजरा की मदद भी तो मिल रही थी। ताईदारे खत्म नबूवत। एक दो वाक्य सुनाते हैं और बात खत्म करते हैं, वक्त बहुत बढ़ रहा है। आप जाम शोरों के रोड पर एक हमारी तस्वीर के साथ बड़ा सा इश्तेहार लगा दोगे, इस मौलवी का दाखिला ममनू है। ठीक है जी, हैं बाद में जाके अल्लामा अब्दुर रहमान जामी साहब के पैर पकड़ो, मौल साहब करम करना, आइंदा मत बुलाना, जान ही नहीं छोड़ते। ठीक है जी, बहरहाल हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि बस मौला जितना भी हमसे काम लेना हुजूर की खत्म नबूवत का काम लेना। ठीक है, हुजूर की इज्जत, हुजूर की नामूस की खातिर बस जिंदगी गुजर जाए, इससे बड़ा जिंदगी का मकसद कोई नहीं है। मैंने कहा यार हुजूर का मिलाद बहुत बड़ी चीज़ है, हम हुजूर का मिलाद करते हैं पर कर नहीं सकते। उसने कहा जी कर नहीं सकते तो छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। उसने कहा फिर करते क्यों है? मैंने कहा यार करते इसलिए, अल्लाह का कुरान बता रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में लाया गया बेचने के लिए, बड़े बड़े खरीदार आ गए, बड़े बड़े खरीदार आ गए, पर एक औरत ना वो जो चरखा काटती थी वो कुछ गिट्टियां प्लेट में रख कर वो भी चल पड़ी। लोगों ने पूछा किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदने। कहा वो देख दुनिया की दौलत की अंबार, देख कोई तुझे इस प्लेट पर यूसुफ देगा? कहा नहीं मुझे पता है कोई नहीं देगा। फिर जा क्यों रही है? कहा जा इसलिए रही हूँ कि माशा के मैदान के अंदर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में होंगे, मेरा रब सवाल करेगा, मेरा रब पूछेगा यूसुफ बता, जब तुझे बाजार में लाया गया कौन तेरा दीवाना बनके, कौन तुझे चाहने वाला बनके, कोई माल और दौलत लेकर आया? यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाएंगे फलाना इतना सोना लाया, फलाना इतनी चांदी लाया, फलाना इतना दौलत लाया, पहला पूरी लिस्ट पूरी हो जाएगी, नीचे छोटा सा मेरा नाम भी तो आएगा ना।
नीचे छोटा सा मेरा नाम भी तो आएगा ना यारो। जब माशर के मैदान में लिस्ट खुलेगी कि हुजूर जाने जाना की तारीफ तो जमाने में अबू बकर सिद्दीक ने की, उमर बिन खत्ताब ने की, उस्मान गनी ने की, मौला अली ने की, इमाम हसन ने की, इमाम हुसैन ने की, जब यह सिलसिला चलता जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी ने की, महबूब सुबानी ने की, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने की, मेहर अली शाह ने की, बाबे रिजवी ने की, दाता गोलड़वी ने की, और ये जब लिस्ट चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लिस्ट बड़ी तवील होगी, फहरिस्त बड़ी तवील होगी, जब फहरिस्त खत्म होने पर आएगी आखिरी सतर बचेगी, आखिरी लाइन आएगी, जब आखिरी लाइन आखिरी सतर आएगी तो उसमें छोटा सा नाम जामशोरों वालों को भी तो लिखा होगा। जी जहाँ ये बड़े बड़े बड़ा बड़ा जिक्र करते थे छोटा सा जिक्र ये भी करते थे, बस लिस्ट में नाम आ जाए तो काम हो जाता है। शादी महीने बाद होती है, लिस्ट महीना पहले बनती है, पड़ोसी को नहीं बुलाया होता, इस्लामाबाद से मेहमान आ रहे होते हैं, बंदा पूछता है यार वो तो वहां से बुला लिए, इसे नहीं बुलाया, कहता यार इससे दिल नहीं मिलता, ओए ये हुजूर के मिलाद जिसने मनाना है उनकी भी लिस्ट बनी थी, लिस्ट बनी थी उनकी भी, बस जिससे दिल नहीं मिलता था वो लिस्ट में नहीं आने दिया, तुमसे दिल मिल गया था इसलिए तुम्हें मिला ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। आपने चिड़िया देखी है कितनी बड़ी होती है, इतनी तकरीबन है, और अबाबील थोड़ी सी बड़ी, ठीक है अब, ठीक है अब, ठीक है, इतनी सी अबाबील। अल्लाह आपको काबे ले जाए, काबे का तवाफ आधी रात को अबाबील करती है, आधी रात को आपको काबे का तवाफ करती हुई अबाबील नजर आएगी, ठीक है, ऊपर नहीं जाती तवाफ करती है, ठीक है ना, इतनी सी अबाबील होती है। अबरा लश्कर लेकर आया, ठीक है, कौन कौन अबरा लश्कर लेकर आया, हाथियों का लश्कर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ऊँट खोल के ले गया, आप गए काबरा मेरे ऊँट दे, कब मैं काबे पे हमला करने वाला हूँ तो जो ऊँट की पड़ी है, नबी के दादा ने फरमाया ऊँट हमारे हैं, फिक्र हमें है, काबा जिसका है फिक्र वो कर रहा है, जिसका काबा है वो फिक्र कर रहा है, हमारे ऊँट हैं तो फिक्र हमें है। इधर से अबरा लश्कर लेकर चला ना, अबरा लश्कर लेकर चला, उधर रब्बे कायनात ने ना अबाबील को हुक्म दिया, किसको, अबाबील को हुक्म दिया घर जाके कुरान से मट्टी भी हटाना, गिलाफ खोलना, सुल्तान से बाहर निकालना, गर्द को साफ करना, मट्टी को साफ करना, रमजान का इंतजार न करना, सुबह जाके कुरान खोल लेना, तीसरे पारे में से सूरह फील निकाल लेना, अगर तर्जुमे वाला मिल जाए तो फिर वो काजी सनाउल्लाह पानी पत्ती वाली ले आना और उसे पढ़ के देखना वो क्या कह रहा है, वो कहता है वो इस आयत की इन इस सूरत मुबारक की तफसीर में कुछ यूँ कहता है, वो ये बताता है कि वो जब अबाबील उड़े ना, जब अबाबील वादी से उड़े, अच्छा परिंदे की एक फितरत एक खसलत होती है कि परिंदा जब जमीन से उड़ता है ना पंजों में कुछ ना कुछ फंसा लेता है, पंजों में कुछ ना कुछ फंसा लेता है, अब वो अबाबील भी उड़ा ना तो उसने एक कंकर उठाया चोंच में, तीन इस पंजे में, तीन इस पंजे में, कितने उठाए, अब काबे के साथ चक्कर क्यों लगते हैं ये हमें नहीं पता, पर अबाबील ने सात कंकर उठा लिए ये हमें पता है, अबाबील ने सात कंकर उठाए, काजी सनाउल्लाह पानीपति कहता है कि हर कंकर पे काफिर का नाम लिखा हुआ था, हर कंकर पे काफिर का नाम लिखा हुआ था, अब अबाबील अबाबील आ गया काबे में, ओए अगर अल्लाह अगला काबे को बजाना चाहे तो अबाबील से नौकरी करवा लेता है, अबाबील से नौकरी करवा लेता है, लेकिन हुजूर की इज्जत की बात है रब अबाबील को नहीं भेजता बल्कि वो जो टांगों से माजूर था बाबा रिजवी रब उसे भेजा करता है, रब रब उसे भेजा करता है। अब हुजूर जाने जाना रहमत कायनात के गुलामों, सरवर अंबिया के गुलामों, अबाबील आया काबे में, ठीक है, ये आप बात उलमा से तस्दीक करना, मैंने भी उलमा से ही सुनी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी उलमा से सुनी है, अबाबील ने ना अबाबील ने ऊपर से कंकर फेंका, नहीं अबाबील ने एटम बम फेंका, ठीक है जी, अभी अभी ये 2021 में साइंस की रिसर्च ने ये बात साबित की है कि वो जो कंकर थे ना अबाबील की चोंच में, उसमें एटमी जर्रात मौजूद थे, ठीक है जी, ठीक है,
एटमी जर्रात मौजूद थे, और ये बात बताने के लिए ये हैदराबाद का जो है वो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में मैं बयान करने के लिए गया तो उनका जो सबसे बड़ा ऑफिसर बैठा था, इरिगेशन वालों का ऑफिस है, वहाँ पर मैंने हुजूर के मिलाद पर बयान किया। मैंने ये वाकया बयान किया, वो बंदा अपनी कुर्सी छोड़ के दरवाजे तक आया, उसने कहा मौलवी साहब मैंने ये रिसर्च आज पढ़ी है, ठीक है, मैंने ये रिसर्च आज पढ़ी है। और वो अबाबील ने कंकर फेंका। अच्छा कंकर इतना बड़ा तो होगा ना, कितना था बेचारा खुद इतना है कंकर, उसने क्या उठाया होगा, ठीक है जी, उसने कंकर फेंका, लगा काफिर के सर पे, काफिर मर गया, जिस हाथी पे सवार था वो हाथी भी मर गया। मैंने कहा चल यार रब ने भेजा था ये हम मान लेते हैं कि उसने कंकर मारा, अब अबील ने कंकर मारा, हाथी भी मर गया, बंदा भी मर गया। मैंने कहा मौलवी मुझे सिर्फ इतना बता, अब अबील को ये कौन बता रहा था कि फलाना बंदा इधर खड़ा है तू मार दे। कहो ना यार सुभान अल्लाह, हमेशा बातों का जोर ना देखा करो, हमेशा लहजों का जोर ना देखो, कभी बातों में दलीलों में भी जोर देख लिया करो, है थोड़ा सा जोर लगा के कहो सुभान अल्लाह। उम्मीद है लंगर शंगर का इंतजाम भी होगा, और लंगर भी बाबे रिजवी का है, ठीक है जी, लंगर किसका है, रिजवी का लंगर खा के जाएगा तो मलंग भी तो रिजवी का बन के बैठना, ठीक है जी। ये हमने कहे बैठे हैं और हम में अपनों की सी बात का है नसीर, ये तो उनका कर्म है, वो अपना बनाए बैठे हैं। और पीर नसीरुद्दीन नसीर ने एक आस्ताना एक दरवाजा एक दर दिखाया था, कहा दर पे गैरों के जाने की जहमत ना फरमाइए, भीख लेनी हो तो मदीने चले आइए, कोई देता हो तो सामने लाइए, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। और ये उस दर की बात है हुजूर जाने जाना रहमत कायनात के गुलामों, ये उस दर की बात है, और तेरी और मेरी औकात नहीं है कि हमें समझ में आ जाए। हुजूर जाने जाना का वो दरबार है, हुजूर का वो घर है, हुजूर का वो मकाम है कि या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तरवीर जमाल खुदाई, तेरा वास्व बया हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वास्व बया हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, अगर बात समझ आ रही है तो हाथ उठा के जवाब दो, तेरा वास्व बया हो, तेरा वास्व बया हो किससे, तेरा वास्व बया हो किससे। हम तो सिर्फ मदीने की तरफ देख के इतना कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कोई काम, लिल्लाह अलहम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया, और तेरा वास्व बया हो किससे, तेरा वास्व बया हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्व बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ाई। मैंने कहा मौलवी जी मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ अब अबील को कौन दिखा रहा था, इधर खड़ा है मार दे। उसने कहा ओए मौलवी, अब ग्यारहवीं के किस्से पढ़ने वालों, गल सारी सरकार दी है, बस अब इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं हम, ये नारे फिर याद दिलाना फिर लगाएंगे। अब मैं क्या इधर खड़ा है, जी जी जी, किधर 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 किधर, इधर खड़ा, उसने कहा मौलवी जो अबाबी रब भेजे वो सारा कुछ जानता है। मैंने कहा लानत हो तेरे पैदा होने पे, अबाबील के बारे में ये अकीदा रखता है वो सारा कुछ जानता है, फिर देख मेरा अकीदा, ओए मेरा नबी जैसे रब भेजे वो नबी भी सारा कुछ, सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौलवी जी छोटी सी अबाबी,
छोटी सी हब अबील समझा दे नबी का मिलाद बहुत बड़ी चीज है। ठीक है जी, नबी का मिलाद बहुत बड़ी चीज है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मुजाहिद भाई रुख तब्दील कर रहे हैं और बात यह है कि ये तो कभी याद किया था, अब तो पूरे तरीके से जहन में भी नहीं है। और इंशाल्लाह फिर कभी मुजाहिद भाई से कहीं किसी महफिल में खुद बुला लेंगे और वहाँ बिठा के सुना देंगे, क्योंकि अब चूंकि जहन सारा किसी और तरफ है तो फिर उसी पर बात करने दे। ये कभी याद था तो इस पर बात हो जाती थी, लेकिन इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह आपकी खातिर बैठ के याद करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये बात जरूर होगी। ताइदारे खत्म नबूवत नबूवत ताइदारे खत्म नबूवत नबूवत ताइदारे खत्म नबूवत। असल में अब बात जो है ना, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, छोटी सी अबाबील समझ नहीं आती। मौलवी कहता नबी का मिलाद समझा, अच्छा चल छोड़ अबाबील भी छोड़, ये भी जान वाला है, तू हमें सिर्फ मूसा का डंडा समझा दे। सुभान अल्लाह, हमें मूसा का डंडा समझा दे, नबी का मिलाद बहुत बड़ी चीज। डंडा मार पत्थर पे, पत्थर पे, पत्थर पे, फन फजरत मैंने हुस्नत अशरत आई ना, उसमें से 12 चश्मे निकले। कितने कितने? मैंने कहा यार मूसा कलीमुल्लाह के ना डंडे को आलम तसव्वुर में जाके हाथ जोड़े, मैंने कहा तू मूसा का डंडा है, तू मूसा के हाथों में था, तूने 12 क्यों निकाले? तुझे नहीं पता 12 का हिंसा हजम नहीं होना? तूने 12 क्यों निकाले? उस डंडे ने पलट के जवाब दिया, वो हाथ मूसा का था पर गले में पट्टा तो मोहम्मद की गुलामी का डाल रखा था। है हम भी तो हक अदा करते ना, हम भी तो बताते कि हम भी मदीने वाले के गुलाम हैं। मैंने पत्थर से पूछा, चल ये तो नबी के हाथों में था, तुझे क्या पड़ी थी, तूने 12 ही निकाल दिए। उसने कहा ओए सुन, जमाना अगरचे मूसा का है पर गले में पट्टा तो मोहम्मद की गुलामी का डाल रखा है। अब ना मौलवी साहब जिस दिन ऐलान कर दे मस्जिद में पानी नहीं है, घर से वजू बना के आना, तू डंडा ले जाना। का मौलवी साहब नहीं है पानी, मारो ना वजू खाने पे। अरे पलट के देखेगा, ये क्या मजाक है हमसे, हमें पागल समझा होगा तुमने। मौलवी साहब कुरान कह रहा है पत्थर पे डंडे मारने से पानी निकलता है, हम नहीं मानते कुरान को। देखा नहीं, ये मूसा कलीमुल्लाह की शान है। जी जुम्मे पे बक बक कर रहे थे मोहम्मद हम जैसा, वो मौलवी काम तो मूसा वाले नहीं होते, बराबरी मोहम्मद की काम तो मूसा कलीमुल्लाह वाले, काम मूसा कलीमुल्लाह वाले नहीं कर सकता, बराबरी रुतबे मेरे नबी के तोलने चला है। अच्छा मैंने ना मौलवी का हाथ पकड़ा, मैंने कहा इधर कब्रिस्तान में आ, हमने हदीस पढ़ी है कि कब्र के अंदर जब बंदा सवालों के जवाब देता है ना, एक रहमत की खिड़की खुल जाती है। मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नजर नहीं आ रही। उसने कहा जी भले नजर नहीं आए पर फिर भी, मैंने कहा अच्छा खिड़की नजर ना आए तो है हैं जी, हैं जी, हैं जी। मैंने कहा फरंग छोड़ या फरंगी हो जा, ये दो रंग छोड़ दे या करंगी हो जा, एक रंग में आ नबी का दीवाना बन। ओए अगर कब्र में रहमत की खिड़कियां हो सकती है तो हमारे सरों पर साया भी रहमतुल लिल आलमीन का हो सकता है। ओ हुजूर जाने जाना के गुलामों, मैंने उससे पूछा खिड़की खुलती कहां है, कहा जिस कब्र में दफना दो खिड़की खुल जाएगी। मैंने कहा यह बता खिड़की की मिकदार कितनी है, रहमत कहां से कहां तक आ रही होती है, कहा यह हम नहीं तोल सकते। और मैंने कहा मौलवी अब तुझसे कब्र की रहमत वाली खिड़की तो तोड़ी नहीं जाती, तू रहमत लिल आलमीन को तोड़। ठीक है जी, ठीक है जी, राजी हो गए आप? नहीं हुआ तो अब अल्लाह ही राजी कर सकता है, हमारे बस से तो खत्म हो गई आपको राजी करना। हुजूर गौसे आजम का एक वाक्य सुना। ठीक है जी, वक्त बहुत तवील हो गया है और अल्लाह आप सबको नमाज फजर पढ़ने की तौफीक दे। नहीं कहीं कबूल ही ना हो जाए। अच्छा आप बंदे सारे समझदार बैठे हैं, सारे बंदे समझदार हैं, कोई एक आध बंदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सारे आप समझदार बंदे, आप मुझे सिर्फ ईमान से एक एक चीज का फैसला करके दे दें। फैसला आपने करना है। अकलमंद बंदा कभी ऐसा काम कर सकता है जिसमें बंदे को नुकसान हो? बोलिए। इतने बड़े बजवे में एक बंदा मुझे खड़ा होकर ना नमाज पढ़ने का नुकसान बताए? जी ऊंचा बोलो पुत्रो, फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? अगर फायदा है और फायदे का काम अगर बंदा ना करे तो उसे अकलमंद तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए खुदा के लिए, खुदा के लिए आओ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है ये हजार सजदों से निजात देता है। एक रब की बारगाह में सजदा कर दे, जमाने के सामने ठोकरे खाने से बच जाएगा। यार नमाज पढ़ो, सिर्फ मिलाद तो नहीं मनाना, मिलाद वाला भी तो राजी करना है ना। और सारे जमाने ने बताया हुजूर माशर में, हुजूर माशर में शफात करेंगे, पर बच्चो माशर के मैदान का टिकट भी तो है ना। ठीक है जी, आज आपके इस ग्राउंड में मेला लग जाए, दरवाजा लगा दिया जाए और हर बंदा अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, नहीं जा सकता वही जाएगा जिसके पास टिकट होगा। ओए हुजूर तो शफात करेंगे माशर में, पर टिकट तो नमाज है, लेके टिकट तो जाना माशर में, तो फिर सारे हशर उनकी नजर मुझ पे पड़ ही गई। कहने वाले कहते हैं ऐसे खुदा का करना, उन मेरे महबूब की उम्मत यो हुजूर जाने जाना के गुलामों, माशर के मैदान के लिए टिकट नमाज है, लेके चले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी, वगर ना अल्लाह का कुरान कह रहे हैं माशाल्लाह का कुम फी सकर, क्या कर रहे हो जहन्नम? नमाज नहीं पढ़ते थे। ठीक है, इसलिए नमाज पढ़ो, हुजूर जाने जाना रहमत कायनात को राजी करो। नमाज नमाज इतनी जरूरी है जितनी तेरी जिंदगी के लिए सांसें लेना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी लगाऊंगा, वगरना वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला कमाल होते हैं। अब देखना है तुझे उन लालों में कमाल कितना। एक बाबे रिजवी का लाल देख ले कि कभी गुदड़ियों में भी लाल होते हैं, बड़े बा कमाल होते हैं। बस ये जो अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार है ना, ये बड़े लजपाल होते हैं, क्योंकि बरोज़े हशर हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। सभी पूछेंगे सरकार कहाँ है, उसी दम आएंगे मेरे आका और ये फरमाएंगे खत्म नबूवत के पहरेदार कहाँ है, उसी दम आएंगे मेरे आका फरमाएंगे खत्म नबूवत के पहरेदार कहाँ। हुजूर गौसे आज़म ने कपड़ा दे दिया दर्जी को, कहा गुदड़ी सी के लिया, वो सर पकड़ के बैठ गया, कहा इतना महंगा कपड़ा गुदड़ियों के लिए खरीदा है, इतना महंगा कपड़ा गुदलियों के लिए खरीदा है। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात के गुलामों, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया हमने तेरा कपड़ा इसलिए नहीं खरीदा कि कीमती बहुत है, हमने कपड़ा इसलिए खरीदा है कि तू बगदाद की गलियों में घूम रहा होता और तुझे यहाँ मौत आ जाती, माशर के मैदान में तुझे रब उठाता, रब तुझसे पूछता कि तुझे मौत कहाँ आई, तो तू कहता बगदाद की गलियों में कपड़ा बेचने गया था, रब पूछता बगदाद से तुझे क्या मिला, तू कहता क्या मिला, मला खाली झोली लेकर आया, बल्कि मर भी वहीं गया था। तो फिर वहाँ अगर मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा ज़हरा मखदूमा कौनैन अगर मौजूद होती, और मेरे बाबा इमाम हसन मुज्तबा, मेरे बाबा इमाम हुसैन इमाम अली मकाम, और मेरे बाबा अली उल मुर्तजा वहाँ मौजूद होते, और तू कहते फातिमा के बच्चे के दरवाजे पे गया था झोली खाली लेकर आ गया, फरमाया हमने तुझे खैरात इसलिए दी है कि वो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल की निकाल देते हैं, वो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल की निकाल देते हैं, वो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल की निकाल देते हैं। भाई हम किसी के दरवाजे पे जाके क्यों मांगे, हमें तो जो भी देते हैं ज़हरा के लाल, हमें तो जो भी देते हैं ज़हरा के लाल देते हैं। बस आखिरी जुमले और आपने उठकर नारे का जवाब देना है। अबू जहल आपने सारे जमाने में सुने हैं, मुजाहिद भाई ने ये शेर पढ़ा था, वही मेरी ज़हन में आ गया और उसी पर बस पत्थरों की बात पत्थरों के बीच में नहीं करना चाहता। बात पत्थर की है पर तू मोम बन के बैठ, पता था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। और जाके पूछना हुजूर ने पत्थरों को हुक्म नहीं दिया, अंधे बंदे को सारी रात इशारा कर। ठीक है,
बात समझेगा समझेगा नहीं ना नहीं ना नहीं ना। और अगर बंदा हो कमरे के अंदर दरवाजा बंद हो तू सारी रात इशारे करता रहे, सुबह होने के लिए कहे सारी रात हो गई तुझे बुलाते हुए तू नहीं आया, है जी सारी रात हो गई तुझे बुलाते हुए, कहता भाई मुझे तो तूने नहीं बुला कहा, सारी रात तेरे दरवाजे पे इशारा कर रहा था बारह बारह। उसने कहा जो इतने इशारे किए एक दफा मुंह से बोल देता, है जी एक दफा मुंह से बोल देता, आवाज सुन लेता तो बाहर आ जाता। अच्छा वो मुट्ठी के अंदर थे, वो कमरे में थे, कमरे का दरवाजा बंद था। अंधे बंदे की आंखें फिर भी होती हैं पर पत्थर की आंखें नहीं होती। खुदा की इज्जत की कसम है हुजूर जाने जाना ने नहीं फरमाया पत्थरों को कि ओए बोलो तुम पढ़ो कलमा मेरा, बल्कि हुजूर ने यूं उंगली का इशारा किया, हुजूर ने उंगली का इशारा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। बस यहाँ तक तो बात उलमा ने की, आगे किताबों में तो नहीं है, पर मेरा इश्क मेरा वजद मैंने ना आलम तसव्वुरात में जाके अबू जाल की मुट्ठी के कंकरों से हाथ जोड़ के पूछा कि जब तुम ये कलमा पढ़ रहे थे तो अबू जाल क्या कह रहा था, कब वो हमें देख के कह रहा था तुम भी मोहम्मद के गुलाम हो। उचिया लमिया खजूरा पत्थर सावे माया, उठ फरीदा उठे की वसना जे तैयार नजर ना आवे माया। हुजूर जाने जाना के गुलामों बस ये एक तसव्वुर कायम करके बात पेश कर रहा हूँ, वो का हमें देख के पूछ रहा था क्या तुम भी मोहम्मद के गुलाम हो, तो मैंने कहा तुमने क्या कहा, उसने कहा ओए सुनो ए सुना अबू जहल तू होगा काफिर, तू होगा जलील, तू होगा रुसवा, ओए नबी की इज्जत पे बात आई हम चुप रहते तो पत्थर होने का भी हक नहीं अदा होता, ओए हम बिखर के हम जर्रा 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 ना हो जाते कि नबी की इज्जत पे बात आती और हम चुप रह जाते तो पत्थर होने का हक नहीं अदा होता, ओए नबी की इज्जत पे बात आती रहमतुल लिल आलमीन वाला बाबा कैसे चुप रह जाता, ओए नबी की इज्जत पे बात आती ये नबी के दीवाने कैसे चुप रह जाते, ओए नबी की इज्जत पे तो पत्थर चुप नहीं रहता, हम दीवाने मस्ताने होके चुप कैसे रह सकते जैसे मेरे नबी से मोहब्बत है, जिसके सीने में नबी का इश्क है, हाथ उठा के बुलंद आवाज में सीने का जोर लगा के नारे का जवाब दो दाए दाए तेरा ओ सलाम समय समय बज में हिदायत तेरा ओ सलाम जी सुहानी घड़ी चमकता है बाका चांद जी सुहानी घड़ी चमकता है बाका चांद उस दिल अफरोज़े सा Thank you.
خدمت کو دیسے سہے ہر رضا السلام یا رحمت العالمین یا واسطہ علی رسول زلف رسول سلام آج زارا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھا ہے اور اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اس محفل کے اندر قرآن آیا اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے اے رب کائنات ان تمام حسنات طیبات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارک اقدس میں پیش کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے تصدق سے آپ کے والدین کریمین صاحب انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین شہداء احد شہداء بدر شہداء کربلا جنت المعلا جنت البقیع میں مدفون آرام فرماؤں کہ اس کا ثواب عطا فرما تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات پن تن پاک تمام سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادیہ نقشبندیہ چشتیہ سوروردیہ پیران پیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما آپ کے تصدق سے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جو مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے انتقال کر گئے اللہ سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب عطا فرما اے اللہ اس محفل کے اندر جنہوں نے شرکت کی ہے اور جنہوں نے اس محفل کے انعقاد کیا گیا ہے اور جس طرح بھی اسے سجایا ہے عقیدہ شوق اور محبت کے ساتھ اللہ ہم سب کی حاضری کو ان کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وكنا عذاب القبر وكنا عذاب الحشر وكنا عذاب اليوم الميزان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم اے رب کائنات آج کی اس عظیم الشان محفل کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی خطاؤں سے دربدر فرما اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سچی غلامی اور سچی اطاعت نصیب فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے فرمانات پہ عمل کی توفیق عطا فرما اس محفل پاک کے اندر جتنے دوست احباب تشریف لائے ہیں شرکت کی اللہ سب کی حاضری قبول فرما سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما دارین کی سعادت نصیب فرما اتنے دوست احباب نے یہ محفل سجائی ہے منعقد کی ہے ان کے ساتھ جس جس نے تعاون کیا حصہ لیا ہے اے اللہ سب کو برکتیں عطا فرما سب کے رزق جان مال ایمان میں برکتیں عطا فرما ہم سب کے حاضرین کے اس پورے محلے کے جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو استغفار عطا فرما تمام کی بخشش و مغفرت فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما قبروں کی منزلیں آسان فرما شکیل بھائی کے والد مرحوم کو بھی اس کا ثواب عطا فرما کی بخشش و مغفرت فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما مسلک کے حق اہل سنہ و جماعت کو قیامت تک شاد و آباد فرما علماء حق اہل سنہ و جماعت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت فرما اے اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے دوست احباب ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما اس ملک کے اندر اپنے محبوب کے نظام کو نافذ فرما علماء اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما فتنہ قادیانیت کو نیست و نابود فرما ذلیل و رسوا فرما محافظین ختم نبوت و ناموس رسالت کے محافظین کی غیب سے مدد فرما اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا آرزوئیں پوری فرما علامہ قاری صاحب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما ان کے اس خوش الہانی کے اندر مزید برکتیں عطا فرما اس طرح عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں اللہ ان کے غیب سے مدد فرما جتنے ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں معاملین ہیں سب کو برکتیں عطا فرما ہمیں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر پہرا دے عطا فرما رزق میں برکتیں عطا فرما اپنا خاص فضل و کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین